हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मै चानल। लास्ट वीडियो नानु निमगे जय जय भारत माता नाइन स्टैंडर्ड पोयम दो एक्सप्लेनेशन कोट्टिद्दे। इवाग नानु अदरदु क्वेश्चन आंसर्स ना कोड्तीनि, बन्नि नोडोण। फस्ट मेनु एक वाक्य में उत्तर लिखो। फस्ट क्वेश्चन, जय जय भारत माता कविता के कवि कौन है? आंसर नोडि, जय जय भारत माता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त है। सेकेंड क्वेश्चन, गुप्त जी को कौन सी उपाधि मिली है? उत्तर, गुप्त जी को साहित्य सेवा के सम्मार्थक सन 1961 ई में पद्म भूषण उपाधि मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोड़ना बनिए। थर्ड क्वेश्चन, कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? उत्तर, कवि भारत माता की वंदना कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? उत्तर, हिमालय रूपी हृदय में स्नेह भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोड़ना। फिफ्थ क्वेश्चन, पानी कैसे फूटा आता है? आंसर, पानी सौ सौ स्तोत्रों से बह बह कर आता है। प्रश्न सिक्स नोड़े, पानी में क्या खिले है? उत्तर, पानी में कमल खिले है। सेवेंथ क्वेश्चन, सुंदर भाव कहाँ पले है? आंसर, भारत माता की धानी आंचल में सुंदर भाव पले है। नेक्स्ट मेनू, सेकेंड मेनू, दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है? आंसर, हिमालय के बारे में कवि की भावना है कि हिमालय सुंदर और विशाल है, हिमालय के हृदय में स्नेह भरा है, हिमालय का हृदय विशाल है जहाँ सबको सुख मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन, दिल में आग दबाकर मतलब क्या है? आंसर नोड़े, दिल में आग दबाकर का मतलब है कि अपने दिल में ही कितने ही दुख भरे होते हैं, इसलिए कवि कहता है कि अपने दिल में दुख की आग यानी आग दुख के समान है, उन्हें मन में ही रखकर हमें सुख शांति यानी भारत में सब तरह हरा भरा देता है। ओके, नेक्स्ट नोड़ी, मूर्ने प्रश्न है, कवि ऊंचा हिया क्या कहते हैं? आंसर, कवि ऊंचा हिया इसलिए कहते हैं कि हिमालय का शिखर बहुत ऊंचा है, इसके समान भारत माता का हृदय बहुत ऊंचा या श्रेष्ठ और विशाल है। फोर्थ नोड़े, हमें मिलजुल कर कौन सा गाना गाना चाहिए? उत्तर, हमें भारत माता का यश का गाना गाना चाहिए। भारत में सब लोगों में एकता की भावना सदा रहे और इसी एकता से हमें आपस में मिलकर भारत माता की यश या कीर्ति का गाना गाना चाहिए। थर्ड में नोड़ी, खाली स्थान भरिए, भारत का हिया डैश है। नोड़ी केलगड़े आंसर इदे, भारत का हिया ऊंचा है। सेकेंड वन, दिल में डैश दबाकर रखता हमको। नोड़ी, दिल में आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। नेक्स्ट डैश, चिरकाल रहे, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। फोर्थ मेनो, नमूने के अनुसार तुकांत शब्द लिखिए। नोड़े, उदाहरण, स्नेह भरा हरा भरा, आता गाता, पले भले, नाता माता। फिफ्थ में नोड़े, इस कविता में बह बहकर पानी आता का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। नोड़ी, मेलगड़े वाक्यगळन्न कोट्टिद्दारे, गिर गिर कर, मिट मिट कर, सुन सुन कर, देख देख कर। नोड़ी, फर्स्ट वन, बालक डैश सीखता है। नोड़ी केलगड़े आंसर इदे, बालक मिट मिट कर सीखता है। सेकेंड वन नोड़ी, भाषा डैश बोली जाती है। नोड़ी, भाषा सुन सुन कर बोली जाती है।
मेघ डैश बरसते हैं, मेघ गिर गिर कर बरसते हैं। बच्चा डैश चलता है, बच्चा देख देख कर चलता है। सिक्स्थ मेनो, इस कविता की प्रथम 8 पंक्तियों को कंठस्थ कीजिए। ओके, ನೀವು ಅದರ ಮೊದಲನೇ 8 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಾಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ನೋಡಿ, ಅನುರೂಪತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾಗರ್ ವಿಶಾಲ್ ಹಿಮಾಲಯ. ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆನ್ಸರು ಇದೆ, ಸಾಗರ್ ವಿಶಾಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಊಂಚ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಅಂಧಕಾರ್ ಅಂಧೇರ ಪವಿತ್ರ ಡ್ಯಾಶ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾವನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮ್ ಧರ್ತಿ ಕಮಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಾನಿ, ಸೂರ್ಯ ಸೂರಜ್ ಚಂದ್ರ ಚಾಂದ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಮೈನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.